लेकिन सारे आज मजा तब आता ना कि बहुत बड़ी रैली आपके उसी दिन होती जिस दिन गांधी मैदान में नीतीश कुमार और लालू यादव बहुत बड़ी रैली करने का दावा कर रहे, तो मजा ज्यादा आता लोगों को, हम लोग जैसे पत्रकारों को थोड़ा आकलन करने में ज्यादा मजा आता है। अब देखेंगे वार और पलटवार कैसे होता है, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे आज अपने स्टूडियो में। मामला क्या है, ये जो सियासी घमासान है इसमें कैसी कैसी पार्टियां कैसे कैसे चाल चल रहे हैं, जो पोलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो, इसी तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं। तीन खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। डॉक्टर अच्युतानंद जी हैं, बीजेपी के विधायक अच्युतानंद जी आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, MJ वारसी जी हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, NRI हैं, वाशिंगटन में प्रोफेसर हैं, वहाँ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। वारसी जी आपका स्वागत है, खास तौर पर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जी हैं, जो JDU के प्रवक्ता हैं। अच्युतानंद जी, मजा तो तब आता जब आमने सामने की बात होती। 30 तारीख को PM की रैली भागलपुर में होती और 30 तारीख को इधर महागठबंधन की रैली हो रही थी, मजा तब आता, लेकिन आपने रैली का दिन ही बदल दिया। रैली का तैयारी के दृष्टि से विचार करके समझ के लोगों ने 1 तारीख रखा है, उसमें टकराहट का कोई मामला, लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली में टकराहट का कोई अर्थ नहीं होता है। चुनाव में तो लड़ाई आमने सामने की होती है ना अच्युतानंद, देश के नवनिर्माण के लिए, गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए, बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से बिहार को मजबूत बनना चाहता है। जो बिहार आज़ादी के 68 साल बाद तक भी कांग्रेस के राज में उपेक्षित रहा जी, ये कुछ इस तरह की बातें जो किताब उताब में लिखी जाती है वो बात आप बोल रहे हैं। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि जो आमने सामने लड़ाई होती है, देखते लोग कि बाजुओं में किसके कितना दम है। लोकतंत्र में बाजू का प्रदर्शन करना, आप कांग्रेस बाजू का मतलब कांग्रेस का जो आपके पाले में कितना वोट है, कितना समर्थन है, लोगों का एक सितम्बर को नहीं दिखाई पड़ेगा क्या? 30 तारीख को मजा और होता ना क्या? 30 तारीख का इनका कार्यक्रम हो रहा है, 1 सितंबर के भारतीय जनता पार्टी और NDA का कार्यक्रम भागलपुर के अंदर हो रहा है, तो हमारा तैयारी के दृष्टि से वहाँ 1 तारीख हमारे संगठन के नेताओं ने रखा है। इन लोगों ने तो जानबूझ के 30 तारीख रख दिया था, 29 अगस्त चिंता था, फिर उसके बाद इन लोगों ने 30 अगस्त कर दिया। इनको देश के और बिहार की चिंता नहीं, इनकी इनको चिंता सत्ता बचाने का। नहीं तो ताकत आपको दिखा रहे थे, ताकत जो नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ समता पार्टी बनाया, JDU बनाया, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन लेके केंद्र में मंत्री बने, बिहार में मुख्यमंत्री बने, वही नीतीश कुमार जंगल राज के गोद में चले गए हैं, अपराध के आगोश में पूरे बिहार चल रहा। अच्युतानंद जी, कोई राजनीति में सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको डिसाइड कौन करता है, इसको डिसाइड कौन करता है? जनता ने लोकसभा चुनाव में किया। अरे भाई, विधानसभा का चुनाव में नीतीश कुमार की परीक्षा ना, लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी की परीक्षा थी। मोदी बिहार देश के नेता है, हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अच्छा, तो वो तो हम कह रहे हैं, वो तो पहले की बात सही है ये, लेकिन हमको ये बताइए ना कि ये जो आमने सामने की लड़ाई होती है, और अगर आमने सामने कोई गांधी मैदान में दोनों का रैली थोड़े होता, गांधी मैदान पटना में राजद JDU का रैली होता जी, और उसी दिमाग हम लोग दो फ्रेम बनाते टेलीविजन पर, ये गांधी मैदान की रैली, ये नरेंद्र मोदी की भागलपुर में। भारतीय जनता पार्टी टकराव में नहीं, संवाद में बिठा सकता है, नई परिभाषा आपने निकाल ली। सभी तो कह रहे थे कि हमारे पास ताकत ज्यादा है। बिहार में चूज राजा अपने अपनी सुविधा के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि किसी ने डर चले, अपनी सुविधा के मुताबिक तो सुविधा हम आपको बता रहे, बीजेपी के सोर्स को बता रहे हैं, सुविधा ये होगी कि 30 तारीख को जब ये रैली करेंगे, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप वहां पर रहेंगे, ढेर सारी बातें होगी, सारे पर बोलते रहेंगे, ये कहने की बात नहीं। अभी से ही जाना चाहता नीतीश कुमार जो और जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उन्होंने शुरू कर दिया, लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। तो 1 तारीख को नरेंद्र मोदी जो इस चरण का उनका जो परिवर्तन रैली हो रहा है उसका आखिरी समापन उस दिन होगा, उस दिन वो समापन जवाब, ये मनता है, ये तैयारी है बीजेपी की। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय आलोक जी जवाब देंगे नरेंद्र मोदी, आमने सामने की बात नहीं, जवाब क्या देंगे? जवाब देने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहे हैं।